लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। बिग बॉस सीजन 12 के घर में गॉसिप और एंटरटेनमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है थैंक्स टू द कंटेस्टेंट कि ऑडियंस को इस बार एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज मिलने वाला है। ये शो 16 सितंबर यानी कि संडे को स्टार्ट हो चुका है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस सीजन के एपिसोड 1 में क्या क्या हुआ। दिन की शुरुआत बाकी सीजन की तरह मॉर्निंग सॉन्ग से हुई जहाँ पे सारी कंटेस्टेंट टन टनाटन टन टन तारा पे झूमते हुए नजर आए। इन सब के बाद गैंग्स ऑफ वसीपुर के सिंगर दीपक ठाकुर और उनकी पार्टनर कम फैन उर्वशी वानी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिली। वेल आपको बता दें कि उर्वशी दीपक की इतनी बड़ी फैन है कि एक बार वो उनसे मिलने के लिए अपने घर से भी भाग गई थी। दीपक ठाकुर ने बिग बॉस के घर पे टिप्पणी देते हुए एक गाना भी गाया जिसमें उन्होंने कहा बिग बॉस के घर इतना अजूबा कौन किसका अपना कौन किसका दूजा। इन सब चीजों के बाद आया बिग बॉस सीजन 12 का फर्स्ट टास्क जो कि था बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे मॉडरेट करने के लिए आए एक्स कंटेस्टेंट हिना खान और हिडेन तेजवानी। ये टास्क सिंगल वर्सेस कपल्स था जहां पे सिंगल्स को ये प्रूव करना था कि वो कपल से कैसे बेटर है बिग बॉस में आगे जाने के लिए। सबसे पहले सृष्टि ने अनूप जलोटा और उनकी गर्लफ्रेंड जसलीन को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि जब टास्क की बात आएगी तो अनूप जलोटा की एज उनका साथ नहीं देगी। तो इसे काउंटर करते हुए जसलीन ने ये कहा कि बिग बॉस के सारे टास्क फिजिकल फिटनेस के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। इसके बाद काफी लोग ने अनूप जलोटा और उनकी गर्लफ्रेंड जसलीन के केमिस्ट्री पे सवाल उठाए जिसका आंसर देते हुए जसलीन ने ये कहा कि बिग बॉस का घर है कोई लव शो नहीं जहाँ पे हमेशा इन्हें साथ में रहना हो। वो भले आए एक कपल की तरह पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त साथ में हो। ये उनका अपना अपना गेम है। पर शायद ये जवाब हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए काफी नहीं था और शायद यही रीजन है कि वोटिंग के दौरान इन्हें हार प्राप्त हुई। इसके बाद नेहा ने दीपक और उर्वशी को चैलेंज किया ये कहते हुए कि इनके पास गेम में आगे बढ़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और तो ये घर के किसी भी टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जिसके जवाब में दीपक ने ये कहा कि ये कोई भी काम कैमरे के लिए फेक नहीं कर सकते। जसलीन और अनूप जलोटा ने दीपक और उर्वशी के फेवर में ये कहा कि शायद से नेहा अनप्रिपेयर्ड है इसलिए जल्दबाजी में उसने दीपक और उर्वशी का नाम ले लिया। खैर जीत तो इसमें नेहा की ही हुई और इस तरीके से हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ। बाकी कंटेस्टेंट डे 2 में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इस एपिसोड के एंड में सोमी खान और सुभाष मिश्रा एक फेक फाइट करते हुए नजर आए जिसे घर वालों ने असली समझ के सुलझाने की कोशिश की। खैर ये थी एपिसोड 1 की पूरी कहानी। अगले एपिसोड में हमें घर के कामकाज से रिलेटेड बहुत सी लड़ाइयां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड 1 ये हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे वो लाल बटन दबा करके हमें सब्सक्राइब करिए।